लंबे इंतजार के बाद भारत सरकार ने मुरादाबाद के हवाई अड्डे की एनओसी जारी कर दी है। अब इससे मुरादाबाद से हवाई उड़ानें शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुरादाबाद के लोगों को लंबे समय से हवाई उड़ानें यहां से शुरू होने का इंतजार था। बीच बीच में कई बार भारत सरकार के अधिकारी यहां आकर हवाई अड्डे के निर्माण और उसके तकनीकी पहलुओं की जाँच करते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से भारत सरकार ने मुरादाबाद के हवाई अड्डे को उड़ाने भरने के एनओसी दे दी है। देखिए, हम लोगों ने कमर्शियल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था राज्य सरकार की तरफ से, तो जो जानकारी प्राप्त हुई है कि डीजीसीए ने उसको उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है, तो अब इसको कमर्शियल फ्लाइट यहाँ से चलाने का रास्ता क्लियर हो गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द यहाँ से विभिन्न शहरों के लिए फ्लाइट हमारी शुरू हो जाएगी, और उस दिशा में राज्य सरकार के स्तर से कार्रवाई चल रही है, और जल्द ही आपको इस बारे में सकारात्मक खबरें हम लोग उपलब्ध कराएंगे। हवाई पट्टी हमारी 100% कंप्लीट हो गई है, अब बिल्कुल फ्लाइट के लिए तैयार है, लेकिन जब तक हमको ऐसे पार्टी न मिल जाए जो इस काम को करेंगी और उसका क्लियरेंस न हो जाए, तब तक अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के कारोबार को इससे बढ़ावा मिलेगा। अभी तक निर्यातक विदेशी ग्राहकों को मुरादाबाद लाने के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते थे या फिर दिल्ली जाकर मीटिंग करते थे। वहीं हवाई उड़ानें शुरू होने से इलाके का विकास होगा, और जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उसके मुताबिक इस क्षेत्र के हैंडीक्राफ्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे इलाके में रोजगार बढ़ेगा और कारोबार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।